हेलो वेलकम अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है जे जे थॉमसन इन नाइनटीन हंड्रेड फोर प्रपोज दैट एटम इज कंसीडर्ड एज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एटम को कंसीडर किया गया यूनिफॉर्म पॉजिटिवली स्फीयर बाल शेप स्ट्रक्चर कंसीडर किया गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एम्बेड किए हुए हैं रखे हुए हैं तो जो ग्रीन रीज़न है इस फेयर के अंदर ग्रीन रीज़न है वो है पॉजिटिव चार्ज और जो वाइट नेगेटिव स्फेयर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मॉडल था जे जे थॉम्पसन का एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का था मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी एवनली सपरेड ओवर दास ऑफ एटम जो है वो एवनली सप्रेट था एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था मीन्स कंसेंट्रेटेड नहीं था पर्टिकुलर जगह में जैसे सेंटर में कंसेंट्रेटेड ज्यादा मास है और पेरीफेरी में कम है या रिवर्सिबली ऐसा कुछ नहीं था जो मास ऑफ एटम था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था एटम के अंदर थॉम्पसन मॉडल ऑफ एन एटम इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग रिजन पोडिंग और वाटरमेलन मॉडल प्लम और रिजन पोडिंग जो है एक तरह की स्वीट्स होती हैं जिसमें पोडिंग की जाती है किसी स्वीट्स की केक के अंदर या जैसे ड्राई फ्रूट्स की पोडिंग की जाती है केक के अंदर और वाटर मेलन स्ट्रक्चर वाटर मेलन मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है कंपेयर किया गया वाटर मेलन के साथ तो वाटर मेलन जो होता है स्पेरिकल शेप में होता है और उसमें दो पार्ट होते हैं एक रेडिश पार्ट होता है और दूसरा सीड पार्ट तो रेडिश पार्ट जो है उसको पॉजिटिव चार्ज पे कंसिडर किया गया और जो सीड्स हैं उनको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर किया गया तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मॉडल है एटम का इसमें जो ग्रीन रीज़न है इसको रेडिश पार्ट से कंपेयर किया गया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है सीड्स के साथ कंपेयर किया गया इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं लिमिटेशंस क्या थी इस मॉडल की लिमिटेशंस फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी लेटर दिस मॉडल वाज इट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स लाइक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो बाद में एटम का स्ट्रक्चर प्रूव हुआ उसमें जो था न्यूक्लियस था और पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे तो इसमें जो था एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं था जो बाद में अल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट जो है उससे प्रूव हुआ तो इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया जे जे थॉम्सन ने और दूसरी लिमिटेशन क्या है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कैसे है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं इतने सारे साथ, साथ में कैसे रह रहे हैं कौन सी फोर्स है जो इनको एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और थर्ड थी दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियस इसने न्यूक्लियस बारे में न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये था जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम